गुड मॉर्निंग बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। वैसे तो व्याकरण सारी क्लासेस के एक जैसे लगभग होते हैं, चाहे वह 6ठी की बात हो, 7वीं की बात हो, 8वीं की या आगे की कक्षाओं की बात हो। ले तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है कि सुनने में एक जैसा। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक जैसा, भिन्न मतलब अलग, अर्थ मतलब अर्थ प्रदान करना। तो सुनने में एक जैसे शब्द हो लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न हो, ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों को यहाँ पर जो हम लोग डेली के लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली के दिनचर्या में हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे शब्दों को अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं, उसे गलत तरीके से लिखते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है और मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि किन किन चीज़ों से ये परिवर्तन संभव होता है। आइए, हाँ, मैंने कुछ शब्दों को लिया है, उस पर गौर करते हैं। पहला शब्द है अन्य और दूसरा शब्द है अन्न। अन्य और अन्न थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ पर यह प्रयोग किया गया है, यहाँ पर डबल ना का प्रयोग किया गया है, एक आधा ना एक पूरा ना का। बस इतने से इसे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अन्य का अर्थ हो जाता है दूसरा और अन्न का अर्थ होता है अनाज, खाने वाला अनाज, और अन्य का अर्थ दूसरा हो जाता है। तो जब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्य बनाने के लिए तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें किस शब्द की ज़रूरत कहाँ पर है। अगर मुझे कुछ अन्न चाहिए, किसान अन्न पैदा करता है और मैं लिख दूँ अन्य, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्द है आदि और आदि। यहाँ पर लगभग समान है, द में ह्रस्व ई की मात्रा है और ये द में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, बस इससे अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे कि आदि मतलब होता है प्रारंभ, आदि काल से चला आ रहा है, प्रारंभिक काल से, और आदि मतलब होता है आदत, लत। आदि मतलब आदत, लत, कि वह चाय का आदि हो गया है, वह तंबाकू का आदि हो गया है, शराब का आदि हो गया है। ऐसे शब्द जब हम बोलते हैं तो हम इस आदि को वहाँ नहीं लिख सकते हैं। इस आदि का मतलब हो जाता है प्रारंभ। हम वहाँ पर उन वाक्यों को बनाने के लिए हमें आदि का प्रयोग करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चिता और चिंता। बस दोनों में मात्राएं समान है लेकिन यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसे बिंदु कहा जाता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ और यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम चिता कहें बिना बिंदु वाले शब्द को, तो उसका अर्थ होता है शव। दाह संस्कार के समय जो चिता पर लिटाया जाता है उनको कहा जाता है वहां पर, तब चिता कहा जाता है। और यहाँ पर हो जाता है चिंता, और चिंता का अर्थ हो जाता है परेशानी। एक और चीता होता है कि चीता हो जाता है, चाहे बड़ी की मात्रा अगर देते हैं तो वो चीता हो जाता है, और चीता का अर्थ होता है जानवर, एक जो बहुत तेज दौड़ता है, जिसे इंग्लिश में लियोपार्ड भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर दो शब्दों को लिए हैं, चीता और चिंता। चिंता का अर्थ हो जाता है परेशानी, बिंदु लगाने से अर्थ बदल जाता है। फिर हमारे पास है प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान को भोग लगाने वाली वस्तु। जब हम पूजा करते हैं तो प्रसाद के रूप में कुछ मीठे चीज़ को रखते हैं, तो वहाँ पर वो प्रसाद के रूप में जाना जाता है। और प्रासाद कहा जाता है महल, बड़े राजाओं के बड़े बड़े प्रासाद हुआ करते थे, महल हुआ करते थे। तो यहाँ पर प्र में अ की मात्रा नहीं है, तो ये प्रसाद हो गया खाने की वस्तु, और प्रासाद अगर अ की मात्रा है प्र में, तो यहाँ पर महल के सेंस में इसे लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रह और गृह। अगर हम ग्रह लिखते हैं तो ग्रह का अर्थ हो जाता है, ग्रह मेरा की मात्रा है नक्षत्र, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सारे ग्रह हो गए, आकाशीय नक्षत्र हो गए। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इस ग्रह का अर्थ नक्षत्र होता है, और गृह लिखते हैं ग्रह में अगर ऐसे री की मात्रा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है घर। या यूं कहे अगर वाक्य बना रहे हो तो आज मेरे चाचा के यहाँ गृह प्रवेश है, ऐसा कह सकते हैं। तो ग्रह और गृह के अंतर को आप समझ गए होंगे बच्चों। अब हमारे पास है हंस और हंस।
हंस जब हम कहते हैं तो उसमें केवल बिंदु लगाते हैं, और जब हंस कहते हैं तो उसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो हंस का प्रयोग हो जाता है एक पक्षी, एक प्रकार का पक्षी जो होता है उसे हंस कहा जाता है, और हंस होता है क्रिया, हंसना। यहाँ पर हंसने के सेंस में जब यूज किया जा रहा है, क्रिया के लिए यूज किया जा रहा है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। मतलब कि बिंदु और चंद्र बिंदु के प्रयोग के भी गलत प्रयोग से हमारे अनर्थ होने वर्थ के अनर्थ होने में देर नहीं लगती है। इसलिए हमें सोच समझ करके हमें यहाँ पर बिंदु का और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए वाक्य के अनुसार। फिर हमारे पास है नारी और नाड़ी। नारी और नाड़ी, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कीड़ा को भी वो र उच्चारण कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने समय हमें शुद्धता का ध्यान रखना है। नाड़ी का अर्थ होता है स्त्री, औरत, और नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। उसकी नाड़ी बहुत धीमी चल रही है, तबीयत खराब होने की अवस्था में ऐसा कहा जाता है कि उसकी नाड़ी धीरे चल रही है। तो यहाँ पर नाड़ी नब्ज के लिए कहा गया और नारी स्त्री या औरत के लिए कहा गया है। अब हमारे पास है कर्म और क्रम। जब हम कर्म कहते हैं, रम की मात्रा म के ऊपर होती है, तो वो कर्म कहलाता है जिसका मतलब होता है काम। मनुष्य को अपना कर्म करते जाना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी शब्दों का प्रयोग हम लोग वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर एक क्रम जिसका अर्थ होता है श्रृंखला। श्रृंखला के सेंस में यहाँ पे कहा गया है, श्रृंखला मतलब कड़ी, चेन बाय चेन, चेन बाय चेन। तो जब हम क्रम कहते हैं, बच्चे को क्रम से लगाया जाए, बच्चे को क्रम से लाया जाए, इस 1 2 3 4 एक दो तीन चार जो लिखा है उसे क्रम से अरेंज किया जाए, तो ऐसे शब्द जगह प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम क्रम लिखेंगे, कर्म नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास कुछ शब्द थे जो कि सुनने में प्रायः एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जब हम वाक्यों में इनका प्रयोग करेंगे तो हमें सोच समझ करके और सही और शुद्ध वाक्य के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, तभी जाके हमारे वाक्य सही और स्पष्ट होते हैं, वो सही स्पष्ट अर्थ हमें दे पाते हैं। उम्मीद है बच्चों आप आज की कक्षा को अच्छे से समझ गए होंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।